गोमो ग्लेशियर से बहती हुई ये भागीरथी नदी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हमारा सफ़र जो है वो है गंगोत्री धाम के लिए। तो बस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, चलते हैं थोड़ी देर में। बाकी पूरी फैमिली जो है अभी रेडी नहीं हुई है, अभी 6 बजे हम लोग उठ गए थे। तो बस यही रोड है गंगोत्री धाम के लिए। तो ये है होटल पैसिफिक धराली, पहला होटल पड़ता है ये धराली आते ही। और यहाँ से जो है गंगोत्री धाम सिर्फ 21 किलोमीटर है, तो उस तरफ हमें जाना है वो दूर। और सामने ये है आपका मुखबा विलेज। तो इस गांव की जो है सबसे ख़ास बात ये है कि शीतकालीन सत्र जब धाम जो है गंगोत्री धाम बंद हो जाते हैं कपाट, तो बाबा की डोली या कह सकते हैं गंगा मैया की डोली यहाँ सामने रहती है। तो ये सामने आप अगर ये वाइट गुरुद्वारा, ये मंदिर है आपको गुरुद्वारा जैसा लगता है दूर से, तो यहाँ डोली रहती है। और अगले साल या हर साल कह लीजिए अप्रैल मई में इस जंगल का रास्ता ये पूरा सफ़र तय करते हुए कपाट खुलते वक्त यहाँ के सारे भक्त और गांव वाले जाते हैं। तो इस तरफ से हम आए थे और इधर ही था लामा टॉप आपका वो हरसिल वैली में। हाँ भाई, रूम नंबर 102 चलो। नहाया नहीं नहा? चल यार बैठ। हाची यार, खा के मोटा हो गया, चढ़ नहीं पा रहा। वहाँ नहीं जाना है, यहीं बैठना है तुझे। चलो जी, कोल्ड स्टार्ट करते हैं अभी गाड़ी और चलते हैं। तो भाई गाड़ी हो गई हमारी एकदम कोल्ड स्टार्ट एक अटेम्प्ट में ही। अभी चलते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं गंगोत्री धाम के लिए। चाय की चुस्की और होटल रूम से करीब 9 बजे सुबह निकलने के बाद सूर्यदेव के पहले दर्शन और सर्द हवाओं के बीच हमने लिया है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। धराली से गंगोत्री का 25 किलोमीटर का ये सफर बेहद ही खूबसूरत और सीनिक व्यूज की मानो यहाँ भरमार है। तो इससे पहले कि मौसम में कुछ गड़बड़ी हो, जिसका यहाँ हमेशा अनुमान रहता है, हम जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। तो ये पहुँच गए भाई गंगोत्री धाम। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे, गाड़ियाँ देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा, पार्किंग एकदम फुल है। गंगोत्री, तो जी यहाँ से जो है शुरू होती है यात्रा और मात्र 500 मीटर आपको चलना है प्लेन प्लेन। जय गंगा मैया। तो ये है भाई पूरा यहाँ पे मार्केट गंगोत्री धाम में। तो ये पहुंच गए भाई आखिरकार हम गंगोत्री धाम, और ये मुख्य मंदिर। तो सालों का प्रयास मेरा, इतने सालों से मैं यहाँ आया हूँ लेकिन कभी जो है दर्शन नहीं कर पाया, तो आज वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी फैमिली के साथ वो भी। और ऊपर देखिए निलोंग वैली के चट्टान, पल्ली तरफ जो है पूरी आपकी भैरव घाटी और निलोंग वैली है। तो अभी करते हैं पहले दर्शन और फिर जाते हैं गंगा मैया की तरफ। उत्तरकाशी से 99 किलोमीटर दूर और इस साल के कपाट बंद होने से ठीक पहले हम यहां पहुंचे हैं, और मानो पूरी वैली में सिर्फ गौमुख ग्लेशियर से आती भागीरथी नदी का शोर है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले यहां ठीक ठाक भीड़ है। 10,200 फीट पे बसा गंगोत्री धाम एक जमाने में नेपलीस जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था, और आज साल के 6 महीने यहाँ ऐसे ही चकाचौंध रहती है। कपाट बंद होते ही गंगा माँ की डोली को हरसिल के पास मुखबा गांव में ले जाया जाएगा, और अगले साल अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन धूमधाम से वापस यहाँ गंगोत्री में। तो फिलहाल हम हैं भागीरथी नदी के किनारे और उसके बाद मंदिर प्रांगण में अच्छे से दर्शन करते हैं।
यहाँ पे ये मंदिर की धुनी है, ये जो 12 महीने जलती रहती है, तो इसकी जो ऐसे परिक्रमा कर लेते हैं एक बार फिर से। जय हो गंगा मैया की। हर साल बड़ी धूमधाम से गंगा माँ के जन्मदिन के तौर पे मई के महीने में गंगा दशहरा यहाँ मनाया जाता है। तो भाई गंगोत्री धाम मंदिर के ठीक बगल में शिवालय मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, और वो सामने उधर थी धूनी, ये धूनी की आपकी गुफाएं छोटी सी, तो शिवालय दर्शन करते हैं फिर चलते हैं गंगा मैया की तरफ। जय शिव शंभु। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलते हैं भाई नीचे की तरफ। गोमुख ग्लेशियर से बहती हुई ये भागीरथी नदी, आगे चल के जो गंगा मैया बनती है, देखो क्या स्वच्छ पानी है आजकल, क्योंकि बरसात के मौसम में सिर्फ मटीला रहता है, ये आजकल क्या स्वच्छ पानी है, क्या क्रिस्टल क्लियर। भर गया पूरा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो गंगा मैया की। जय गंगा। भाई बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे गंगोत्री धाम में। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, हाथी भी हमारा जो है गाड़ी में है बहुत देर से। हर्सिल वैली और धराली में हमारी ये आखिरी शाम, और भागीरथी नदी के ऊपर बना ये बेहद पुराना पुल घाटी के दोनों हिस्सों को जोड़ता हुआ, और बर्ड वॉचर्स के लिए ही बेहद खास जगह है ये धराली। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम है एक बहुत ही सुंदर सी लोकेशन में उत्तरकाशी की, एग्जैक्टली जहां हमारा ये होटल है ये है धराली, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप आ चुकी है। तो अभी हम लोग जो है वहाँ उधर उस साइड जो है आपकी हर्सिल वैली है, और वहाँ से ही रोड कटता है ऊपर के लिए, तो सामने वहाँ जाएंगे अभी हम, मुकबा विलेज। सो वो सामने है आपका हर्सिल वैली, यहाँ से स्टार्ट होती है, और इस साइड हमें जाना है अभी अपोजिट डायरेक्शन में, जो रोड आप सामने देख रहे हो, और सामने देखो यार आप ब्यूटीफुल हिमालयन पीक्स। तो ये पहुंच गए भाई हम सुंदर वादियों के बीच, और उस पहाड़ की अपोजिट साइड अभी उस तरफ थे, मैं अभी दिखाता हूं अपना होटल, और इस तरफ आ गए हम, और वादियां देखो, और ये है एंट्रेंस गेट यहां पे मुखवा गांव का, और ये देखो अब ऊपर एक गांव है पूरा, और ये पहाड़ी वही है जैसे वो गंगोत्री में दिखती है, इसके पीछे निलोंग वैली। तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे, गाड़ी भी कर दिए पार्क, अब हाथी को रखेंगे यहाँ अंदर। ये भाई मुखवा गांव के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी, और नियरेस्ट प्लेसेस ये तो पता ही है आप लोगों को, गंगोत्री, हर्सिल, दियारा, भुग्याल, बहुत ही फेमस एक ट्रैकिंग डिस्टेंस है। पीछे आपको पड़ता है रैथल विलेज से, उत्तरकाशी तो है ही मेन यहाँ का, और खरसाली 110 किलोमीटर, और इंग्लिश में भी कोई पढ़ना चाहे तो मुखवा विलेज के बारे में।
ये नज़ारे देखो, और सामने यार वो है आपका सात ताल लेक के लिए रास्ता, वहीं से पूरे घने जंगलों के बीच। लास्ट ईयर हमने वो भी कंप्लीट किया था, वो व्लॉग भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सामने वाले पहाड़ के ठीक नीचे ये रहा हमारा होटल, पार्किंग के साथ दिख रहा है। तो वहां से यहाँ टोटल 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, और ये मुखवा गांव की चढ़ाई। हाँ उधर चले गए थे हम, वहां से गए थे हम इधर इधर इधर, और ये इधर चले गए थे गलत, जबकि इधर जाना था। सेबो का भी यहाँ पे जो है रेट वगैरह उनके बारे में भी दे रखा है। और ये मुखीमठ मुखवा के दर्शनीय स्थल, तो ये है भाई शीतकालीन सत्र का मंदिर गंगोत्री धाम का। 6 महीने यहाँ रहती है डोली, और 6 महीने वो उधर गंगोत्री। ऐतिहासिक कितना पुराना मंदिर है यार, ये देखो तुम, सेम उसी तरह से बना रखा है जैसे गंगोत्री में है, ऊपर वाला हिस्सा देखो सेम वैसे ही है। पर कितनी पुरानी लकड़ी है देखो, इसको दोबारा थोड़ा चमक दी गई है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा हो जाता सामने वाले की तरह। देखो वो तो लकड़ी और पत्थर मिक्स है उसमें, इसमें लकड़ी लकड़ी है। ये देखो यार क्या सुंदर नज़ारों के बीच, और अभी तो ये फर्स्ट स्नोफॉल है सीजन का, पूरी बर्फ पड़ती है, तो ये पूरा गांव पूरी वैली जो है सफ़ेद चारों तरफ, वाइट ही वाइट। कितना पुराना गांव है आप तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो देख के, ये लकड़ी वाले और ये पुराने पत्थर के घर। और ये है ब्रह्म कमल यहाँ पे जो ये चढ़ता है फ्रेश, आपने देखा होगा तो ये मुरझाया हुआ है, देखो कैसा हो चुका है सूख के। तो भाई ये है आपका यहाँ पे मुखवा विलेज जैसा अभी तक आपने देखा, और ये शीतकालीन सत्र है यहाँ पे, और पीछे मेरे ये मंदिर। तो 6 महीने डोली यहाँ रहती है, और 6 महीने जो है उधर गंगोत्री साइड। तो बस यही था यहाँ तक का ये सफ़र, अब निकलते हैं हम हरसिल वैली के लिए। और ये देखो चारों तरफ ये स्नो कैप पीक से घिरा हुआ ये मुखवा गांव और खूबसूरत हरसिल वैली। तो इसी के साथ आ चुका है समय यहां से चलने का। हरसिल और धराली के कभी ना भूलने वाले नज़ारे, गंगोत्री और मुखवा गांव के पूरी फैमिली के साथ दर्शन हमेशा यादों में रहेंगे। फिर कभी मौका मिला तो गंगा मैया की डोली के साथ करेंगे यहाँ के दर्शन, और आपको भी कराएंगे। विदा लेता हूँ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। भैंस की आँख।